देखो भाई, इसे ना अच्छे से मस्टर्ड के पेस्ट में मैरिनेट किया है, ऐसे कुछ बाइट होने वाली है। और भाई इसमें गार्लिक देखिए आप कितने अच्छे से लगा रखा है। ये है मुर्ग मेथी मलाई वाला लेग पीस, ये है इनका मलाई चिकन टिक्का। हेलो गाइस, दिस इज अजय, वेलकम बैक टू द चैनल। आज ना मैं देहरादून में मिलने वाले दो बेस्ट चिकन का कंपैरिजन करने वाला हूँ। ये दोनों ही मेरे फेवरेट हैं, तो लेते हैं खाने के मजे भी अजय, और जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपनी कोक के साथ। तो मैंने ना आज ब्लैक पेपर से इनका तंदूरी प्लेटर भी मंगा रखा है, तो शुरुआत करते हैं। यह है इनका चिकन टिक्का, ट्राई करते हैं भाई। बेहतरीन टेस्ट आ रहा है भाई। ये देखिए अच्छे से बटर डाल रखा है भाई इसमें। एक बार बिना चटनी के टेस्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट लेवल भाई। तो आप टेस्ट करते हैं इनका। यह है इनका मलाई चिकन टिक्का, देखते हैं। आय हाय, बहुत ज़्यादा क्रीमी। ये वाला महंगा था शायद, तीन ही पीसेस दिए हैं इसके। लाजवाब। तो भाई ये भी इसी प्लेटर का पार्ट है, इसमें चिकन सीख कबाब, मटन सीख कबाब और फिश टिक्का है। तो भाई ये वाला मेरे को शायद चिकन सीख कबाब लग रहा है, तो देखते हैं भाई। एकदम सॉफ्ट भाई, स्वादिष्ट। ये मटन वाला है, इसको करते हैं टेस्ट। बहुत गजब फ्लेवर्स आ रहे हैं दोनों में से। वैसे सच बताऊं, मेरा ना आज फिश खाने का बहुत मन कर रहा था। यह है इनका फिश टिक्का, टेस्ट करते हैं इसको। बेहतरीन। परफेक्टली मैरिनेटेड फिश है भाई। बहुत ज़्यादा गजब। तो भाई अब आते हैं मेन कंपैरिजन पे। ये है मुर्ग मेथी मलाई जो मैंने ब्रिक हाउस किचन से मंगा रखा है, और भाई ये है ब्लैक पेपर का बटर चिकन। वैसे तो ये दोनों ही मेरे फेवरेट है, बट आज देखते हैं इन दोनों में से ज़्यादा बेहतरीन कौन सा है। तो शुरुआत करते हैं। तो भाई ये है ब्लैक पेपर की बटर नान। आय हाय, तो बटर चिकन से ही शुरुआत करते हैं। ये देखिए कुछ ऐसा है दिखने में। आज शब्दों में बयान करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई, बहुत गजब होता है। भाई इसमें तो रुका ही नहीं जाता है। परफेक्ट फ्लेवर है भाई ये, कोई भी चीज़ इसमें ओवर पावर नहीं करती है, और वही ऑथेंटिक बटर चिकन का टेस्ट आया है। तो आप टेस्ट करते हैं मुर्ग मेथी मलाई, बड़ी वाइट लेने वाले हैं इसकी। ये देखिए ऐसा है कुछ ये दिखने में।
नेक्स्ट लेवल भाई। भाई दोनों ही चिकन बेहतरीन हो रहे हैं, और साथ के साथ ये जो बटर नान है ना, अभी तक हार्ड नहीं हुई है भाई। लाजवाब भाई, ये दोनों ही चिकन ऐसे है ना कि भाई मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। रोटी के साथ तो दोनों ही बेहतरीन हो रहे थे, अब इनके पीस ट्राई करते हैं। तो ये है अपने बटर चिकन का लेग पीस। गज़ब भाई, और ये ना परफेक्टली कुक था, अंदर से रेड रेड भी नहीं हो रखा था, बहुत गज़ब टेस्ट आ रहा था इसका। तो भाई ये है मुर्ग मेथी मलाई वाला लेग पीस। भाई इस पीस ने भी शिकायत का मौका नहीं दिया, बहुत ज़्यादा अल्टीमेट हो रहा था ये। तो अब टेस्ट करते हैं इनको ब्लैक पेपर के गार्लिक नान के साथ, और भाई इसमें गार्लिक देखिए आप कितने अच्छे से लगा रखा है। सबसे पहले बटर चिकन के साथ ही ट्राई करेंगे। मज़ेदार एकदम भाई। अभी ना लास्ट वीडियो में मैंने मशरूम मेथी मलाई खाया था, उसे टेस्ट करने के बाद ना भाई मैं खुद को रोक नहीं पाया, और फाइनली आज के वीडियो में आ चुका है। दोनों ने ना पीस की क्वांटिटी अच्छी दे रखी है भाई, वरना लोग छोटे छोटे पीस दे देते हैं। हड्डी वाला पीस है पूरा। सो हे गाइस, शाउटआउट का टाइम आ चुका है। मेरी लास्ट वीडियो में फर्स्ट कमेंट था लिप्सा पात्रा का, और जो बेस्ट कमेंट्स होंगे वो मैं स्क्रीन पे डालूंगा। थैंक यू सो मच गाइस इतना ज़्यादा प्यार और इतना ज़्यादा सपोर्ट देने के लिए। तो भाई चिकन टिक्का ट्राई करते हैं गार्लिक नान के साथ, ऐसी कुछ बाइट होने वाली है। चट पड़ा एकदम, टेस्ट चेंज करते हैं। भाई इसकी ग्रेवी तक इतनी टेस्टी होती है ना कि पीस खाने की भी ज़रूरत नहीं है। अब टेस्ट करते हैं दोनों को चिली पराठे के साथ।
क्या ही तारीफ करूं भाई इसकी। और भाई ब्रेक हाउस का ना मिर्ची लच्छा पराठा सबसे बेस्ट है यार, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है ये। ये तक टाइट नहीं होते हैं इसके। सच बता रहा हूँ मैं, इतनी ज़्यादा खुशी ना मुझे और कोई मुकबांग करते हुए नहीं हुई भाई। इतने ज़्यादा गज़ब है ना ये कि मैं अभी तक कन्फ्यूज हूँ कि इन दोनों में से बेटर कौन सा है। मलाई टिक्का भी फिनिश कर लेते हैं। भाई एकदम परफेक्ट टिक्का है यार ये, इसमें स्मोकी फ्लेवर आ रहा है, क्रीम का टेस्ट आ रहा है, गज़ब। दिल खुश हो गया भाई से खा के। आप खाते हैं मिर्ची पराठा बटर चिकन के साथ भाई, क्या क्रीमी ग्रेवी है यार। ग्रेवी देखिए आप इसकी, कभी देखी आपने कहीं और के बटर चिकन की ऐसी ग्रेवी? बोन वाला पीस बाद में खाएंगे। पूरा फ्लेवर पीस के अंदर अंदर तक जा रहा है। दोनों के पीस ऐसे नहीं है कि फीके लग रहे हो। तो भाई इस जंग पे थोड़ा पूर्ण विराम लगाते हैं और स्टार्टर्स फिनिश करते हैं। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है भाई ये। दी बेस्ट कबाब भाई जो मैंने अब तक खाए हैं। एक नंबर। ये देखो भाई इसे ना अच्छे से मस्टर्ड के पेस्ट में मैरिनेट किया है, बेहतरीन टेस्ट आ रहा है बिना चटनी के भी, पूरा अंदर तक जा रहा है। बढ़िया एकदम, मस्त फ्लेवर आ रहा था इसमें अजवाइन का भी। फिर से जंग में आगे बढ़ते हुए
भाई गार्लिक नान के साथ ना सबसे बेस्ट फ्लेवर आ रहा है दोनों का ही। भाई इसका विंग वाला पीस भी बहुत बड़ा दे रखा है। भाई मुझे ना कोई इन दोनों की सिर्फ ग्रेवी दे दे, मैं पेट भर के खाना खा लूँ। भाई सीरियसली ग्रेवी तक का बहुत ज़्यादा अमेजिंग टेस्ट है इनका। पिछले वीडियो में ब्रेड नहीं बची थी, इस वीडियो में सब्जी नहीं बची, क्या हो रहा है मेरे साथ। सो गाइस जितना मज़ा इस वीडियो में खाने में आया ना मुझे, अब उतना ज़्यादा टफ हो चुका है मेरे लिए, क्योंकि ये दोनों ही मेरे फेवरेट फूड आइटम्स थे। और भाई सच बताओ इनमें से कोई 19-20 नहीं था, दोनों ही बहुत ज़्यादा बेहतरीन थे। तो भाई मैं तो आज कोई डिसीजन दे नहीं पाऊंगा। तो भाई मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप देहरादून से हो तो आप लोग इसे टेस्ट करो और आप लोग मुझे रिजल्ट बताना। तो आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।